दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये रहा वो हाफ लीटर पेट्रोल जिसका करेंगे हम सिटी माइलेज टेस्ट। और पेट्रोल डालने से पहले आपको दिखा रहा हूँ ये स्कूटर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। और साथ ही जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्यूल टैंक के ऊपर E20 का स्टिकर लगा है, तो जिससे आपको जानकारी हो जाती है कि ये स्कूटर 2023 मॉडल है। नमस्कार दोस्तों, आज के स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे सामने TVS जुपिटर 125 2023 मॉडल। इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा कि ये 2023 मॉडल है, तो अगर आप इस स्कूटर के फ्यूल कैप के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर E20 का स्टिकर लगा है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जुपिटर 125 2023 मॉडल है। और आपके लिए मैं इस स्कूटर को लेके आया हूँ नरवेराम TVS साक्षी शोरूम से। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और वीडियो के थंबनेल देख के जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज हम लोग करने वाले इस स्कूटर का सिटी माइलेज टेस्ट। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने कोई भी पेट्रोल का बॉटल नहीं है, क्योंकि मैं इस स्कूटर का माइलेज टेस्ट सिटी के अंदर सिंगल हैंड में 50-55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में पहले ही करके आ चुका हूँ। और पता नहीं क्यों आज हमें इस स्कूटर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा माइलेज मिला है सिटी राइड में। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इस स्कूटर का अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और उसी के साथ मैं आपको इस स्कूटर में जो माइलेज मिला है सिटी राइड में उसकी जानकारी दे दूंगा। और अगर आप इस स्कूटर का कंप्लीट माइलेज टेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो के अंत में उसे भी आप देख पाओगे। तो आइए सबसे पहले आपके साथ अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं TVS जुपिटर 125 के इंजन के बारे में। इस स्कूटर के इंजन में आपको 124.8 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 8.15 पीएस का पावर और मैक्सिमम टॉर्क 10.5 एनएम का टॉर्क मिलता है, जिससे स्कूटर को राइड करते समय आपको इस स्कूटर में बहुत ही अच्छा पिकअप मिल पाता है। साथ ही स्कूटर के फ्यूल सप्लाई सिस्टम में आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और स्टार्टिंग में आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मिलता है। और आज मैंने इस स्कूटर के माइलेज टेस्ट के दौरान इस स्कूटर को करीब 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक राइड किया, और मैंने देखा कि इस स्कूटर के हैंडल बार में आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं मिलता है। साथ ही स्कूटर को राइड करते समय आपको इस स्कूटर का सीटिंग पोस्चर बहुत ही अच्छा मिलता है। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका हाइट 6 फीट या उससे थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो आप इस स्कूटर को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे, क्योंकि इस स्कूटर में आपको बहुत ही अच्छा लेग स्पेस भी मिल जाता है। और बात करें इस स्कूटर के सीट की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्कूटर में आपको काफ़ी लार्ज वाइड एंड कम्फर्टेबल सीट मिलता है, और मुझे राइड करते समय इस स्कूटर का सीट वाकई में बहुत ही कम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका हाइट 5 फीट 2 इंच या 5 फीट भी है तो आप इस स्कूटर को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे, क्योंकि इस स्कूटर का सीट हाइट सिर्फ 765 mm रखा गया है। और इसके सस्पेंशन की बात करें तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि TVS जुपिटर 125 के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क और रियर में आपको 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टेस्ट सस्पेंशन मिलता है, जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और स्कूटर को राइड करते समय आपको इस स्कूटर का सस्पेंशन वाकई में काफ़ी अच्छा और बेहतर महसूस होगा। और ब्रेक के मामले में भी ये स्कूटर बहुत ही बेहतर है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैं जिस वेरियंट को राइड कर रहा हूँ इसके फ्रंट में 220 mm का डिस्क ब्रेक और इसके रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। साथ ही इसमें SBT सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिलता है, जो स्कूटर को राइड करते समय जब आप इसमें ब्रेक लगाते हैं तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम वाकई में बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस स्कूटर के माइलेज के बारे में। तो जब मैं इस स्कूटर को नरवेराम TVS साक्षी शोरूम से लेकर निकला था तो इसके फ्यूल टैंक में बहुत ही कम पेट्रोल था। जहाँ पर इसके फ्यूल टैंक में पेट्रोल खत्म हुआ वहाँ पे हमने इसके फ्यूल टैंक में 1/2 लीटर पेट्रोल डाला, और तब इसके ऑडोमीटर में रीडिंग था 11 और ट्रिप ए और बी को मैंने 0.0 पे कर दिया था। माइलेज टेस्ट करते वक्त मैंने आज इसे काफ़ी ट्रैफिक में भी राइड किया है, और जहाँ ट्रैफिक नहीं था वहाँ पे इसका स्पीड 50-55 किलोमीटर पर आवर मैंने रखा था। अगर आप वीडियो को देखेंगे अंत में तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और जहाँ पर 1/2 लीटर पेट्रोल इसके फ्यूल टैंक में खत्म हुआ तब इसके ऑडोमीटर में रीडिंग था 44 और इसके ट्रिप में रीडिंग था 32.9। मतलब कि 1/2 लीटर में ये स्कूटर 32.9 किलोमीटर चला। तो अगर मैं इसे ×2 करता हूँ तो आज हमें 1 लीटर में माइलेज मिला 65.8 kmpl का। बिल्कुल न्यू जुपिटर 125 में मेरा वेट है 70 kg और आज मैंने इसे 50-55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर राइड किया था। तो देखा जाए तो बिल्कुल न्यू स्कूटर के हिसाब से पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ही अच्छा माइलेज मिला। हो सकता है कि आज जब मैं इस स्कूटर को राइड कर रहा था अपने सिटी में तो आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, क्योंकि हमारे जमशेदपुर में अभी 42 डिग्री की गर्मी पड़ रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी लोग काफ़ी कम है रोड में। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर आपके सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो आपको बिल्कुल न्यू स्कूटर जुपिटर 125 में आपको पहले दिन से इस स्कूटर में 55 प्लस का माइलेज देखने को मिलेगा। और साथ ही आप सबसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा होता है आप इसे डबल राइड में राइड करते हैं या फिर 55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हाई स्पीड में राइड करते हैं तो हो सकता है इस स्कूटर में आपको थोड़ा बहुत कम माइलेज देखने को भी मिले। तो अब हम इस स्कूटर के कुछ खास फीचर्स के बारे में जान लेते हैं और इसके बाद आप इस स्कूटर का कंप्लीट माइलेज टेस्ट वीडियो देख पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा कि इस स्कूटर के कंसोल में आपको डिजिटल एनालॉग कंसोल मिल जाता है, और आप अगर इसके डिजिटल डिस्प्ले पे ध्यान दें तो आप ऑडोमीटर के ऊपर में आप देख रहे होंगे इसमें IFE इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी के साथ आप AFE एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी देख पाते हैं। साथ ही डिस्प्ले के ऊपर में आपको लो फ्यूल इंडिकेटर और इको इंडिकेटर भी दिया गया है। फिर अगर आप इसके राइट साइड के हैंडल बार पर ध्यान दें तो यहाँ पर आपको
इंटेलिगो मिल जाता है टीवीएस का अपना, जिससे आपको इस स्कूटर में काफ़ी पेट्रोल की सेविंग होती है, और स्कूटर में आपको साइलेंट स्टार्ट भी मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख रहे हैं स्कूटर स्टार्ट हो चुका है, आपको बिल्कुल भी कोई नॉइज़ नहीं मिला। एक बार मैं फिर से इसे बंद करके आपको दिखा रहा हूँ, स्टार्ट करके आप ध्यान दीजिएगा। तो स्कूटर स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें जो आपको साइलेंट स्टार्ट दिया गया टीवीएस का अपना, वो वाकई में बहुत ही अच्छी तरह काम करता है। और लेफ्ट साइड के हैंडल बार पे ध्यान दें तो यहाँ पे हॉर्न, टर्न सिग्नल, इंडिकेटर और इंटीग्रेटेड हाई बीम लो बीम पास स्विच के साथ आपको रियर ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी एक मिल जाता है। और फ्रंट में ही आपको इस स्कूटर में एक्सटर्नल फ्यूल फिल मिलता है, जिसमें आपको करीब 5 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिल जाता है। साथ ही राइट साइड में आपको एक पॉकेट मिलता है, जिसमें आप अपने पानी का बॉटल वगैरह रख सकते हैं। और की के ठीक बगल में आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया, जिसमें आप अपने फ़ोन को भी चार्ज कर पाएंगे। और की को अगर मैं लेफ़्ट की तरफ टर्न करता हूं, तो आप इस स्कूटर के सीट को ओपन कर पाएंगे, और सीट के नीचे आपको 33 लीटर कैपेसिटी का अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, जो वाकई में दोस्तों बहुत ही बड़ा है, जिसमें आप अपने ज़रूरत का बहुत सारा सामान रख सकते हैं। और साथ ही स्कूटर में आपको LED पोजिशन लाइट के साथ इस स्कूटर के हेडलैम्प में फुली LED हेडलैम्प, और इसके टेल लैंप और टर्न सिग्नल लैंप में आपको नॉर्मल बल्ब मिलता है। और आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए टीवीएस जुपिटर 125 में आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच मिलता है। और स्कूटर के व्हील पे ध्यान दें तो आप देखेंगे इस स्कूटर में आपको इसके फ्रंट और रियर दोनों में 12 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील मिलता है, जिसमें आपको 90x90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और काफ़ी स्पोर्टी सा इस स्कूटर में एग्जॉस्ट मिलता है, जिसके ऊपर मेटल का क्रोम फिनिश में मफलर कवर भी लगा है। तो अगर आप अपने और अपने फैमिली के लिए एक 125cc स्कूटर लेना चाहते हैं, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक में मिले और राइड करने में वो बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल हो, तो आपके लिए टीवीएस जुपिटर दोस्तों 125 काफ़ी बेहतर रहेगा। और एक चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा कि इस स्कूटर का जो साइड वाला जो रियर पैनल है, ये मेटल का, और फ्रंट मडगार्ड भी आपको इसमें मेटल का मिल जाता है। तो अगर आपका कोई अपना बिजनेस है, जिसमें आपको शॉप टू शॉप कोई प्रोडक्ट पहुँचाना होता है, या फिर आप कोई डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और अपने लिए एक 125cc स्कूटर लेना चाहते हैं, तो जुपिटर 125 आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस स्कूटर के बिल्ड क्वालिटी को भी काफ़ी अच्छा रखा जाता है, जिससे आप इस स्कूटर को अपने मर्जी के हिसाब से जिस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सामान लाद सकते हैं, और ये चलाने में आपको काफ़ी बेहतर ही महसूस होगा। और माइलेज के बारे में आपको इस वीडियो से जानकारी मिल ही चुकी है कि इस स्कूटर में आपको काफ़ी अच्छा माइलेज भी मिल जाता है। तो आप सबसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास से और इस स्कूटर का टेस्ट राइड या फिर इसे परचेज करना चाहते हैं एक अच्छे ऑफर में, तो आप नरवे राम टीवीएस शोरूम में आ सकते हैं। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आइए अब हम इस स्कूटर का एक कंप्लीट माइलेज टेस्ट वीडियो देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों, इस स्कूटर के फ्यूल टैंक में जितना ही पेट्रोल था, लगता वो ख़त्म हो चुका है। और आपको दिखाने के लिए मैं इसमें 2 बार सेल्फ ले रहा हूँ, एक बार और ट्राई कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, एक बार और ट्राई करता हूँ। तो फाइनली मानते हैं इसमें पेट्रोल खत्म हो चुका है। तो आइए सिटी माइलेज टेस्ट के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रहा वो 1/2 लीटर पेट्रोल, जिसका करेंगे हम सिटी माइलेज टेस्ट। और दूसरी बॉटल में 250 ml पेट्रोल से भी लग रहा मुझे थोड़ा कम ही पेट्रोल होगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और पेट्रोल डालने से पहले आपको दिखा रहा हूँ ये स्कूटर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, एक बार और ट्राई कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। और साथ ही जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर फ्यूल टैंक के ऊपर E20 का स्टिकर लगा है, इसके एक्सटर्नल फ्यूल फिल कैप के ऊपर, तो जिससे आपको जानकारी हो जाती है कि ये स्कूटर 2023 मॉडल है। और अब मैं पेट्रोल डालता हूँ, और अब मैं आपको एक बार ये स्कूटर स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं स्कूटर स्टार्ट हो चुका है। तो आइए चलते हैं सिटी माइलेज टेस्ट पर सिंगल राइड में। और ऑडोमीटर में आप जैसा कि देख रहे हैं, इसमें रीडिंग है अभी 11, और इसके ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों को मैंने 0.0 पे कर दिया है। तो आज मैं इस स्कूटर का माइलेज टेस्ट सिंगल राइड में कर रहा हूँ सिटी के अंदर, और स्पीड रखेंगे 50-55 km/h। Flashing lights dance with fire in the night, I'm wired. Watch the time pass us by, here's this feeling lying. Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to size. What am I supposed to do?
तो फाइनली दोस्तों, इसमें जो हमने हाफ लीटर पेट्रोल डाला था लगता वो ख़त्म हो चुका है, और मैं आपको दिखाने के लिए इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ। एक बार और ट्राई करता हूँ। तो आप देख रहे हैं बाइक, सॉरी ये स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। और इसमें दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत ही ज़बरदस्त माइलेज मिला आज मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, अभी इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है 44, और जब हम निकले थे तब रीडिंग था 11, और इसमें एवरेज फ्यूल इकोनॉमी शो कर रहा 65.5, और इसके ट्रिप ए में रीडिंग है 32.9, और ट्रिप बी में भी रीडिंग है 32.9। मतलब हाफ लीटर में ये 32.9 किलोमीटर चला। तो अगर मैं इसे इंटू टू करता हूँ तो आज हमें इस स्कूटर में 1 लीटर में माइलेज मिला है 65.8 KMPL का, जो देखा जाए तो बिल्कुल न्यू स्कूटर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा माइलेज है। तो आइए सबसे पहले इसमें पेट्रोल डालते हैं। तो ये रहा दोस्तों वो दूसरा बॉटल जो मैंने रिटर्न जाने के लिए रखा था, और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पेट्रोल जितना मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था उतना ही है। और अब मैं इस पेट्रोल को डाल देता हूँ रिटर्न जाने के लिए। आप सभी ने भी दोस्तों देख ही लिया कि TVS Jupiter 125 में आज हमें सिंगल हेड में सिटी के अंदर बहुत ही अच्छा माइलेज मिला है। तो आपको एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने और अपने फैमिली के लिए 125cc में स्कूटर लेना चाह रहे हैं तो एक बार जरूर आप TVS Jupiter 125 का टेस्ट राइड जरूर लें। मुझे मालूम है कि अगर आप इसे राइड करेंगे तो आपको ये स्कूटर वाकई में दोस्तों पसंद जरूर आएगा। और इस वीडियो के अंत में एक बार फिर से आप सबसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि मेरे इसी तरह के और नए वीडियो आप तक पहुँच सकें।